गाइस तो फाइनली एचपी ने इंटेल के 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ अपना ब्रांड न्यू लैपटॉप इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसका मॉडल नंबर है पवेलियन X360 14EK1010TU। और बता दूं एचपी का लैपटॉप काफी शानदार कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आता है, जैसे कि इंटेल का 13 जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर, 1TB SSD स्टोरेज एंड टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिससे एचपी का लैपटॉप उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल डील हो सकता है जो एडिटिंग, एंटरटेनमेंट पर्पस, ऑनलाइन स्टडीज एंड ऑफिस वर्क के लिए 2-in-1 लैपटॉप लेना चाहते हैं, और वो भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बताऊंगा। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। हमें इस लैपटॉप में इंटेल का लेटेस्ट 13 जनरेशन का कोर i5 1335U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और ये प्रोसेसर 0.9 GHz की बेस क्लॉक स्पीड पर रन करता है, जिससे आप 4.6 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और आपको इसमें 10 कोर्स, 12 थ्रेड्स एंड 12 MB की L3 कैश मेमोरी दी गई है। और बता दूं इंटेल के 13 जनरेशन के प्रोसेसर में भी परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंट कोर्स का फंडा यूज किया गया है। आपको परफॉर्मेंस कोर्स में 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, और इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 1.3 GHz से लेकर 4.6 GHz तक की रहने वाली है, जबकि एफिशिएंट कोर्स में आपको 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, और इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 0.9 GHz से लेकर 3.4 GHz तक ही रहेगी, जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे, जिससे सीपीयू को काफी वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। और इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बताऊं तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इंटेल के 13 जनरेशन के प्रोसेसर में आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो इसमें लेटेस्ट विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है विद लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी, और इसी के साथ आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन एंड अमेजोन एलेक्सा का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे लैपटॉप आपके ऑफिस या बिजनेस वर्क के लिए काफी फायदेमंद डील रहेगा। और चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के ग्राफिक्स के बारे में। तो यहाँ पर कई समय इंटेल का RSA इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है, जिससे आप इसमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, और इसी के साथ आप इस लैपटॉप को नॉर्मल 3D ग्राफिक डिजाइनिंग वाले वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। और स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो इस लैपटॉप में 1TB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज ड्राइव प्रोवाइड की गई है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी, और आपको इस लैपटॉप में काफी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और रैम में इस लैपटॉप में डायरेक्ट 16GB की DDR4 रैम का सपोर्ट दिया गया है, जो यहाँ पर 3200 MHz की क्लॉक फ्रिक्वेंसी के साथ आती है, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। और चलिए गाइस अब बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। इसमें 14 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और गाइस एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो 215 nits की पिक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट के सपोर्ट के साथ आता है, और डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस काफी डिसेंट क्वालिटी के रहने वाले हैं। और बता दूं इस लैपटॉप में 3-sided माइक्रो एजेस देखने को मिलते हैं। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफी स्लिम बेजल्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपको इसमें फुल HD रेजोल्यूशन वाली वीडियोस को देखने में काफी मजा आएगा। और डिजाइन की बात करूं तो HP के इस लैपटॉप का डिजाइन काफी प्रीमियम सा लगता है, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और बता दूं एक 2-in-1 लैपटॉप है, जिससे आप इस लैपटॉप को 360 डिग्री पर रोटेट करके एक टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। पर इस लैपटॉप का वेट 1.4 kg है, और एक HP का काफी थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप है, जिससे आपके लिए इस लैपटॉप को कैरी करना काफी इजी रहेगा। और इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो आपको HP के इस लैपटॉप में बिल्ट इन वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इसमें 4K में वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकेंगे। और इसी के साथ इसमें ब्लूटूथ 5.3 वर्जन भी दिया गया है, जिससे आप इसमें GB के साइज वाली फाइल्स को फास्ट शेयर एंड रिसीव कर सकेंगे। और वेबकैम की बात करूं तो इसमें 5MP का ट्रू विजन 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम प्रोवाइड किया गया है, वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ, जो आपकी जूम पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और स्पीकर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में BNO के डुअल स्पीकर्स का सेटअप रहने वाला है विद HP ऑडियो बूस्ट सपोर्टेड, जिससे आपको इसमें काफी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इस लैपटॉप में स्टैंडर्ड साइज का बैकलेट कीबोर्ड दिया गया है। कीबोर्ड के किसके बीच के डिस्टेंस काफी बढ़िया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप इसमें काफी स्मूथली टाइपिंग कर सकेंगे। और बैकलेट कीबोर्ड के ऑप्शन के साथ आप इस लैपटॉप को लो लाइट में भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर का फीचर भी दिया गया है, जिससे आप इस लैपटॉप को जस्ट 1 touch में लॉगिन कर सकेंगे। और बैटरी में इस लैपटॉप में 3 cells वाली 43 watt की लिथियम आयन बैटरी दी है,
जिससे आपको इस लैपटॉप में 3-4 आवर्स तक का एक डिसेंट बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो मैं इस लैपटॉप में सभी तरीके के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 HDMI पोर्ट, 1 USB टाइप सी पोर्ट एंड 1 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको 1 चार्जिंग पोर्ट, 2 USB टाइप ए पोर्ट्स एंड 1 microSD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। और चलिए बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर और लैपटॉप के यूजर मैनुअल्स देखने को मिल जाएंगे। HP के लैपटॉप एडिटिंग हो, ऑनलाइन स्टडीज हो या आपके ऑफिस या बिजनेस से रिलेटिव वर्क के लिए काफी शानदार लैपटॉप है। और हमें इस लैपटॉप में काफी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको इसमें 14 इंच का टच डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसमें इंटेल का लेटेस्ट 13 जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और हमें इसमें 1 TB की SSD स्टोरेज प्लस 16 GB की रैम दी गई है और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम का सपोर्ट मिलता है। और हमें इसमें इंटेल का RSC ग्राफिक कार्ड दिया गया है और ये लैपटॉप लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ के वर्जन के साथ आता है। और इसी के साथ हमें इस लैपटॉप में बैकलाइट, कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट रीडर के जैसे प्रो फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी दी गई है। आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। आप इस लैपटॉप में 7-8 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में HP का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 93,000 रुपीज और आप इस लैपटॉप को Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और यदि आप इस लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और आप इस लैपटॉप को EMI पर भी परचेज कर सकते हैं।